नमस्कार, मैं विकास पर आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। इस वीडियो में हम आपको बहुत बड़ा जानकारी देंगे झारखंड के 2021-22 के बीएड स्टूडेंट्स के लिए। एक अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है, क्योंकि उनका 21-22 का स्कॉलरशिप का फॉर्म स्टार्ट होने जा रहा है। कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा? हालांकि यहाँ पे अभी 2023 आ गया है, लेकिन 2021-22 का जो फॉर्म भराना था वो अभी जा करके स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स नहीं भरे हैं, स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं ले पाए हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है। और कॉलेज वाले का रजिस्ट्रेशन का डेट क्या है, और स्टूडेंट कब तक इसका अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को, और क्या लास्ट डेट है, सारा कुछ डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। यहाँ पे देखेंगे कि एक नया हाईलाइट करके यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, न्यू में स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन कॉलेज सर्विस 2021-22 बीएड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन एक जारी किया गया है। ठीक है, यानी कि 2021-22 में जो नहीं भरे हैं, स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं लिए हैं, उन लोगों के लिए अच्छी खबर है। यहाँ पे उनको अच्छा खासा पैसा देखने को मिल जाएगा, स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे डिटेल्स आपको, सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एडमिशन ईयर 2021-22 यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कि इसका कॉलेज के रजिस्ट्रेशन 21-22 के लिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जो है यहाँ पे ओपन होगा 11/10/2023 से लेकर के 27/10/2023 तक कॉलेज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कल से यहाँ पे स्टार्ट भी कर दिया गया है, 11 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक कॉलेज अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बीएड का, कॉलेज विज्ञान के पोर्टल पे। और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे 21-22 के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ओनली फॉर विथ इन स्टेट के लिए फॉर्म भरा जाएगा 21-22 के लिए। ठीक है, यानी कि जो मतलब कि झारखंड में जो भी कॉलेज हैं, ठीक है, उन्हीं का यहाँ पे भरा जाएगा। अगर झारखंड से बाहर अगर आप तैयारी करते हैं, वो कॉलेज है कर रहे थे, तो आपको इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, 21-22 के लिए जो फॉर्म भरा जा रहा है बीएड के लिए, वो ओनली फॉर विद इन स्टेट, यानी कि झारखंड स्टेट में जो कॉलेज हैं उनके लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स बेनिफिट ले पाएंगे। और स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे जो डेडलाइन रखा गया है, 27/10/2023 से लेकर के 10/11/2023 तक, यानी कि इसी महीने 27 अक्टूबर से फॉर्म आप भर पाएंगे। बीएड के स्टूडेंट 21-22 का जो फॉर्म भरना है उसका यहाँ पे आप 27 अक्टूबर से फॉर्म भर पाएंगे। और तीसरा यहाँ पे अपडेट्स जो दिया गया है, स्टूडेंट्स बीएड एप्लीकेशन वेरिफिकेशन यानी, और स्टूडेंट्स का जो कॉलेज वाले वेरिफिकेशन करेंगे उनका यहाँ पे डेडलाइन रखा गया है 27 अक्टूबर 2023 से लेकर के 17/11/2023 तक कॉलेज अपना स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन आप जो भी स्टूडेंट्स किए हैं उसका वेरिफिकेशन कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखें कि कॉलेज रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए बीएड का जो कॉलेज रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं 21-22 के लिए, यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए कि होम पेज पे भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्शन देता है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ आईटीआई और नर्सिंग कॉलेज का यहाँ पे मतलब कि वहाँ पे होगा, बाकी यहाँ पे बीएड वाले को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है, इस प्रकार से आपका सारा डिटेल्स आप यहाँ पे फिलअप कीजिए, फाइल अपलोड कीजिए, सबमिट रिक्वेस्ट कीजिए। ठीक है, तो फिलहाल स्टूडेंट्स का काम नहीं है, चलिए देख लेते हैं और आपको और डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन देते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, और यहाँ पे लॉगिन के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है। ठीक है, अगर आप लॉगिन आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, आईडी पासवर्ड आपको मिल गया है, तो यहाँ पे आप अपना क्लिक हेयर पे क्लिक करके यहाँ पे लॉगिन भी आप कर सकते हो। और छठा जो यहाँ पे अपडेट्स है, यहाँ पे कमिंग सोन में है, यहाँ पे देखेंगे कि फॉर स्टूडेंट्स लॉगिन के लिए यहाँ पे है, और 21-22 विद इन स्टेट बी एड स्टूडेंट्स ओनली। ठीक है, स्टूडेंट को लॉगिन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन अभी नहीं स्टार्ट किया गया है, क्लिक हेयर नहीं, तो यहाँ पर भी आपको आ जाएगा। यहाँ पे कमिंग सोन दिखा रहा है, न्यू लिखकर के यहाँ पे कमिंग सोन बता रहा है, यानी कि जल्द ही यहाँ पे आप स्टूडेंट्स को लॉगिन करने के लिए भी ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। सातवां यहाँ पे अपडेट्स जो है, स्टूडेंट फॉरगेट पासवर्ड एंड यहाँ पे फॉरगेट करने के लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, ये भी कमिंग सोन में है, यानी कि जल्द ही यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखने वाला है। और यहाँ पे आठवां जो यहाँ पे आपको अपडेट्स है, पोस्ट मैट्रिक एप्लीकेशन स्टेटस एडमिशन ईयर 2014-15 से लेकर के 21-22 तक स्टूडेंट्स अपना यहाँ पे क्लिक करके
अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालेंगे, 7 अंक लास्ट का, ठीक है, 7 डिजिट्स, और यहाँ पे एडमिशन ईयर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे, उनका डिटेल्स यहाँ पे लिख जाएगा। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि स्कॉलरशिप का हर अपडेट आपको समय से पे